Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So what it says, a hemispherical ball of radius capital R is rotated about its axis of symmetry, which is kept vertical. A small block is kept in the ball at a position where the radius makes an angle theta with the vertical. The block rotates with the ball without any slipping. The friction coefficient between the block and the ball surface is mu. Find the range of the angular speed for which the block will not slip. Fine. सो आप देखो इस तरह से हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है समथिंग लाइक दिस जिसका जो रेडियस दे रखा है दैट इज गिवन कैपिटल आर एंड यहाँ से वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे आपको एक ब्लॉक रखना है स्मॉल ब्लॉक मान लेते हैं उसका मास यू नो स्मॉल है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ओमेगा ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड फॉर विच देयर विल नॉट बी एनी स्लिपिंग बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ दिस बॉल and the coefficient of friction is given mu between the surface of the ball and the block theek hai so aap dekho we can you know draw the free body diagram of this block kya kya forces lagenge ek to iska weight lagega niche ki taraf vertically downward mg normal reaction kahan lagega pehle aap common tangent draw karo common tangent aapka is tarah se hoga right ye aapka common tangent ho gaya aur ye aapka direction ho gaya common normal ka ye ho gaya normal ka direction सो आपका जो फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन वो किस डायरेक्शन में लगेगा कॉमन नॉर्मल समथिंग लाइक दिस इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एंड फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द कॉमन टेंजेंट लगेगा राइट और आपको फ्री बॉडी डायग्राम कहाँ से बनाना है फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस ब्लॉक बिकॉज हमने जैसे पहले डिस्कस किया था वी हैव टू चेक द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ब्लॉक तो हमें इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं चाहिए अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखाई देगा बट हमें वो नहीं चाहिए बिकॉज वी हैव टू कंपेयर द फोर्सेस टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ दिस ब्लॉक सो मैं इजीली यू नो कहाँ से बना रहा हूँ ये फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ब्लॉक तो मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना पड़ेगा कितना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अगर इस इंस्टेंट पे जो यू नो बॉल है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है एंड द ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉल सो वो भी एक सर्कल में रोटेट करेगा आप देखो जो सर्कल में रोटेट कर रहा है ये जो यू नो ब्लॉक है ये किस सर्कल में रोटेट कर रहा है ये वाले सर्कल में लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर अब देखो इसका जो सर्कल है ये वाला सर्कल है ना सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा तो सेम है बॉल का भी और ये ब्लॉक का भी बट आप देखो ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर है स्मॉल आर और यू कैन से कैपिटल आर नहीं है आर का अगर ये एंगल थीटा है आपने वर्टिकल से थीटा लिया तो आर का साइन थीटा है ना सो एक्चुअल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का साइन थीटा लगेगा यहाँ पे एक साइन थीटा भी आएगा रिमेम्बर ठीक है सो अभी हमने सारे फोर्सेस दिखा दिए राइट अभी एक ही फोर्स बचा हुआ है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने नहीं दिखाया है सो वी डोंट नो कि यू नो फ्रिक्शन कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स राइट जितना चाहिए उतना लगेगा टू अपोज द रिलेटिव मोशन सो पहले हम क्या करते हैं जितने फोर्सेस है उनके कंपोनेंट्स ले लेते हैं अब किस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट लेने एक आप कंपोनेंट लो नॉर्मल के डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में मतलब कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में जहां पे आपका फ्रिक्शन लगेगा अब ये दो डायरेक्शन आपको क्यों चूज करना है क्योंकि जो नॉर्मल है जो डायरेक्शन नॉर्मल का है उस डायरेक्शन में कोई मोशन पॉसिबल नहीं है आप देखो परपेंडिकुलर टू द बॉल जहां पे यू नो सरफेस पे रखा हुआ है आपका ब्लॉक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है उस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है इस ब्लॉक का क्योंकि ये जो बॉल है उसे तोड़कर यू नो अंदर की तरफ नहीं मूव करेगा आपका जो ब्लॉक है और फर्दर अगर स्लिपिंग होना है या फिर मोशन होना है तो वो किस डायरेक्शन में होगा कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में है ना वो स्लिप करेगा तो कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में स्लिप करेगा जहां पे आपका फ्रिक्शन लगेगा टू अपोज द रिलेटिव मोशन सो अगर हमें इक्विलिब्रियम या फिर इसका स्टेबिलिटी चेक करना है सो बेटर होगा कि हम कंपोनेंट्स को कहां ब्रेक करें जहां पे इसका चांस है स्लिप करने का है ना और एक उस डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन में सो फाइन देखो नॉर्मल को आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा राइट सो एमजी हम ब्रेक कर लेंगे फर्दर ये 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा सो इजीली हम यू नो फोर्सेस को ब्रेक कर सकते हैं आप देखो मैं यहाँ पे छोटा सा एम बना देता हूँ ये आपका स्मॉल एम है यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा एम जी का कॉस थीटा है ना ऊपर वाले डायग्राम से चेक कर लो और ये वाला जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल वाला यहाँ पर एम जी का साइन थीटा आएगा और यहाँ पर फर्दर नीचे की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर का साइन थीटा का अच्छा ये पूरा फोर्स है और इसका कौन सा कंपोनेंट कॉस थीटा
नहीं साइन थीटा, राइट, इस डायरेक्शन में साइन थीटा ही आएगा, सो साइन थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, और ऊपर के डायरेक्शन में आएगा इस डायरेक्शन में एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा का, ये टोटल फोर्स है, इसका कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, और ये आपका नॉर्मल का डायरेक्शन है, राइट। सो आप देखो जो नॉर्मल डायरेक्शन है वहां पे मोशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो नॉर्मल का जो वैल्यू आएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन आप यू नो हर टाइम लिख सकते हो, इट इज ऑलवेज वैलिड, क्योंकि नॉर्मल का जो वैल्यू है दैट विल यू नो मेक श्योर दैट यू नो कि नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन इज जीरो। अब बात करते हैं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपके पास दो फोर्स है, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा और ऊपर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो आप देखो ये ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, राइट, एम जी साइन थीटा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिक्स है, बट ऊपर के तरफ जो फोर्स है वो ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। नाउ अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, देन नेट फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन शुड बी जीरो, राइट। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ओमेगा, आप देखो फ्रिक्शन के बिना भी देर इज नो रिलेटिव मोशन, कैन यू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा जहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है हमें, राइट, यू कैन फाइंड आउट, जैसे एम जी साइन थीटा को आप इक्वेट कर दो, एम जी साइन थीटा विल बी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करो ओमेगा का, देखो एम कैंसिल हो जा रहा है, सो जी एक साइन थीटा भी कैंसिल कर दो, सो जी अपॉन आर का जो कॉस थीटा आ रहा है और इसका रूट, सो इतने ओमेगा से अगर आप रोटेट करोगे बॉल को, सो कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ द बॉल, है ना। बट अगर आपने ओमेगा डिक्रीज किया, मान लो हमने ओमेगा डिक्रीज किया, तो ऊपर वाला फोर्स डिक्रीज हो गया, सो एम जी साइन थीटा डोमिनेट करने लगा, सो ये ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे की तरफ स्लिप करने का है, सो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, राइट, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, और जैसे जैसे आप ओमेगा डिक्रीज करते जाओगे फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा टू अपोज द रिलेटिव मोशन, और ओमेगा मिनिमम जहां पे स्लिपिंग नहीं होगा आपका फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग हो जाएगा। सो फॉर ओमेगा मिनिमम के लिए आप क्या इक्वेशन लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन लिमिटिंग, है ना, एन इंटू म्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन एन इंटू म्यू दैट विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। रिमेंबर इस इक्वेशन से आपका जो ओमेगा निकल कर आएगा वो ओमेगा मिनिमम होगा, राइट, इस इक्वेशन से। सो निकाल लेते हैं, देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो सब ठीक है, प्लस एन इंटू म्यू, एन का वैल्यू ये होगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू साइन थीटा, राइट, चेक कर लो, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, सो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और इंटू म्यू, सो दैट शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो यहाँ से ओमेगा निकाल लो, सो ओमेगा वाले टर्म्स एक साथ कर लो, सो देखो ओमेगा इसमें है और ओमेगा इसमें है, सो ओमेगा स्क्वायर आर ये कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में, इनफैक्ट मास भी कॉमन आ जाएगा, इनफैक्ट वो कैंसिल हो रहा है, आप चेक करो सारे टर्म्स से मास कैंसिल हो जाएगा निकल के, सो ओमेगा स्क्वायर आर ये वाला टर्म में कितना बचा, साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है, साइन थीटा भी कॉमन निकाल लो, साइन थीटा अंदर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू म्यू, राइट, और जो टर्म्स में ओमेगा नहीं है उसे एक तरफ ले लो, तो वहां से जी कॉमन आ रहा है साइन थीटा और यहाँ पे क्या बचा, म्यू इंटू कॉस थीटा, राइट, म्यू इंटू कॉस थीटा, सो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा, ओमेगा मिनिमम है, राइट, ओमेगा मिनिमम इज कमिंग आउट एज जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा, ये आ गया आपका ओमेगा मिनिमम, राइट, और इसका रूट लेना है, सो दिस इज ओमेगा मिनिमम। अब ओमेगा मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, व्हाट विल हैपन, देखो ओमेगा का वैल्यू जब इतना है जी अपॉन आर साइन थीटा आर कॉस थीटा इतना वैल्यू है तब आपका कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। अब जैसे जैसे आप यहाँ देखो जैसे जैसे आप ओमेगा इंक्रीज करते जाओगे ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, सो व्हाट विल हैपन कि जो ब्लॉक है उसका टेंडेंसी ऊपर की तरफ स्लिप करने का होगा, सो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग जाएगा, और फॉर ओमेगा मैक्स, ओमेगा मिन की जगह यहाँ ओमेगा मैक्स करो, ओमेगा मैक्स के लिए आपका फ्रिक्शन अगेन लिमिटिंग होगा, सो आप क्या इक्वेशन लिखोगे, एम जी साइन थीटा, है ना, नीचे के डायरेक्शन में प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन एन इंटू म्यू दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, ये इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ से अब हम ओमेगा मैक्स निकालेंगे,
आप देखो आपको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे माइनस एन इंटू म्यू लिख दूं तो देखो सेम इक्वेशन आ गई है ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा साइन थीटा है ये, और माइनस एन म्यू तो ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये एम जी साइन थीटा। सो बस ये प्लस की जगह यहाँ मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ से जो ओमेगा निकल कर आएगा वो मेरा ओमेगा मैक्स होगा। सो देखो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पे माइनस होने का मतलब है आप देखो जो ओमेगा स्क्वायर वाला म्यू इंटू साइन थीटा वाला टर्म था ये वाला टर्म माइनस हो गया, और उधर जाके ये जो कॉस थीटा है म्यू इंटू कॉस थीटा ये प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया राइट, और बाकी सब चीजें सेम है। तो यहाँ पे जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो गया और ये कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो गया, बस ये आपका ये ओमेगा मैक्स हो गया राइट। सो आई होप इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।